हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब वेलकम टू जॉय यूनिवर्सिटी में प्रकाश ईपीएफओ यानी इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में टोटल 577 वैकेंसीज रिलीज की गई है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं किन किन पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है एज क्या रिक्वायर्ड है? एज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है सिलेबस क्या रहती है साथ ही साथ बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ रहते हैं सिलेक्शन के बाद आपको क्या सैलरी मिलती है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इसके अलावा हम बात करेंगे इन पोस्ट में ज्वाइनिंग के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है आपको काम क्या करना होता है एंड यहाँ करियर ग्रोथ कैसी होती है फ्यूचर स्कोप कैसा रहता है सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनफोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है एक एक करके बात करते हैं तो ई इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 418 वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये ग्रुप बी पोस्ट रहती है लेवल एट का पे स्केल आपको मिलता है अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 इयर्स है और लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी निकली हुई ये है ए पी एफ यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट पे और ये ग्रुप ए पोस्ट है टोटल 159 वैकेंसीज रिलीज की गई है लेवल टेन का पे स्केल आपको यहाँ मिलता है तो यहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको और बहुत ही हाई लेवल की जॉब रहती है अप्लाई करने की मैक्सिमम एज थर्टी फाइव ईयर्स है लेकिन यहाँ भी अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और यहाँ पे भी जो एलिजिबिलिटी बी डी क्राइटेरिया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ये केवल ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में, साथ -साथ में भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप ए में भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट सेवेंटीथ मार्च है तो अगर आप किसी भी पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर कर देना और जल्द से जल्द अप्लाई कर देना लास्ट डेट की वेट मत करना और आप यहाँ दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप एस सी एस टी पी डब्बू डी या वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना होगा लेकिन अगर आप बाकी कैटेगरी में आते हो तो आपको ट्वेंटी फाइव रुपीज़ अप्लिकेशन फ़ी पे करना होगा अगर आप किसी सिंगल पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो अगर आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फिफ्टी रुपीज़ अपलीकेशन फ़ी पे, पे करना होगा देखिए ई पी एफ ओ सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है एंड इसकी हेड क्वार्टर दिल्ली में है लेकिन सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है सिलेक्शन के बाद आपको टू इयर्स का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है एंड उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है तो ये अगर देखा जाए गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट जॉब है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट भी बहुत बेहतरीन रहती है और ए तो बहुत बेस्ट है क्योंकि ये क्लास वन ऑफिसर की पोस्ट रहती है तो चलिए दोनों की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जाम देना होगा सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जो कि पेन पेपर बेस्ड होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और फाइनल सेलेक्शन इंटरव्यू प्लस जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे होती है और फाइनल मेरिट लिस्ट में सेवेंटी वेटेज दिया जाता है आप जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसे एंड ट्वेंटी का वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू के मार्क्स को सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछाएंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज इसके अलावा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अपलीकेशन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वान्टिटी एपीट्यूड सोशल सिक्योरिटी इंड इंडिया इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ए के पोस्ट के लिए सिलेबस थोड़ी डिफरेंट रहेगी तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो जनरल इंग्लिश इंडियन कल्चर देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्रोबरेशन गवर्नेंस प्रेजेंट ट्रेंड्स देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सभी भी क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अपलीकेशन जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे देन मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इन इंडिया तो दोनों के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो आप चाहो तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो चलिए अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो ए यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बहुत बड़े लेवल की पोस्ट होती है एंड यहाँ पे मोस्टली आपको मैनेजेरियल वर्क ही करना होता है तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपका वो होता है इन्फोर्समेंट की ऊपर इन्फोर्समेंट की जो वर्क चल रही है उसके ऊपर आपको ध्यान देना साथ ही साथ परफॉर्मिंग स्टेटूटरी फंक्शंस लाइक कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स यानी कि कुछ इंक्वायरी वगैरह करना है तो वो आपको कंडक्ट कराना होगा साथ ही साथ जो अलग अलग क्लेम्स की सेटलमेंट होते हैं वो आपको देखना होगा आपको बस देखना होता है कि सारी चीज़ें ठीक से वर्क कर रही हैं तो ये आपको ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करनी होती है इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हो गया कैश की कैश बुक की जो मेंटेनेंस होती है इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स की रिकॉन्सिलेशन एम आईज रिटर्न वगैरह ये ये सब जो वर्क रहता है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क रहता है वो आपको देखना होता है आप इन सब चीज़ों के इंचार्ज रहते हो उसके अलावा पेंशन एंड कैश रिलेटेड मैटर्स जितने भी होते हैं वो आपको हैंडल करना होता है और आपके अंडर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर वर्क करते हो तो करते हैं तो आपको उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करना होता है आपको उन्हें वर्क देना होता है कि ये ये चीज़ें आपको करनी है साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उसके लिए और अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको ए यानी कि जो कमिश्नर है वो आपको जो भी वर्क देते हैं वो आपको करना होता है इसके अलावा जितने भी नॉर्मल वर्क रहते हैं जैसे कि इन्फ़र्समेंट uh, रिलेटेड जो भी वर्क रहता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी वर्क रहती है कैश uh, रिलेटेड जो भी मैटर्स रहते हैं या पेंशन रिलेटेड जो भी मैटर्स रहते हैं उन सब में आपको काम करना होता है यानी कि आप एक आप समझ लो कि आप एज टीम वर्क करते हो जिसमें जो आपके इंचार्ज रहते हैं जो आपके सीनियर रहते हैं वो ए रहते हैं एंड वो आपको उनके अंडर आपको वर्क करना होता है वो भी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं तो दोनों ही जॉब नाइन टू फाइव की जॉब है एंड यहां आपको डेस्क जॉब ही करनी होती है कोई फील्ड वर्क को वगैरह नहीं रहता है करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन्स की बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको सेवन इयर्स के बाद फर्स्ट प्रमोशन मिलती है लगभग सेवन इयर्स लग जाते हैं तो उसके बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है एंड आप बन जाते हो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप बन जाते हो एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड इसके बाद आप बन जाते हो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो यहाँ पे जो से जो प्रोसेस होता है प्रोमोशन का ये थोड़ा स्लो होता है आपको काफ़ी टाइम लग सकता है फाइव ईयर सिक्स ईयर्स या सेवन ईयर्स ये लग जाता है नेक्स्ट प्रमोशन होने में लेकिन बहुत बड़ी लेवल की जॉब रहती है तो इसलिए यहाँ पे प्रोमोशन वगैरह उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। उतने ज़्यादा लोग वेट नहीं करते हैं या इंतजार नहीं करते हैं कि प्रमोशन हो जो भी अगर प्रमोशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है प्रमोशन अगर नहीं भी मिल रहा है तो हर साल तीन परसेंट इंक्रीमेंट बेसिक पे में होता ही रहता है इसके अलावा डी ए इंक्रीज़ होती रहती है तो सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज़ होती रहती है अब प्रमोशन कंप्लीटली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वैकेंसी अगर रहती है तो आपको प्रमोशन मिल जाता है अदरवाइज आपको वेट करना पड़ सकता है और दोनों ही जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है और एग्जाम सेंटर्स ऑल इंडिया में रहेंगे तो आप किसी भी स्टेट में रहते हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं यहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से स्टेट में रहने वाले हैं वो आप देख सकते हो तो ये थी सारी डिटेल्स ई पी एफ ओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर और साथ ही साथ ए पी एफ सी की इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है कुछ कन्फ्यूज़न रहता है इन जॉब्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक यू